अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं 11B वाले रोड पे, और यहाँ पे एक कराची इन्वर्टर सर्विस कॉर्पोरेशन की तरफ से काम कराया जा रहा है। बड़े पैमाने पे काम कराया जा रहा है, बहुत गहरा काम करवाया जा रहा है। यानी कि एक होल बना के मेन रोड के साइड में एक पूरा सिस्टम डाला जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि यह सिस्टम जो है वो बरसाती पानी को निकालेगा। जो देखें आप, गहराई देखें इसकी, और पाइप भी बड़े मोटे डाले जा रहे हैं इसके अंदर। और ये मशीन अभी यहाँ पे लगी हुई है जो ये काम कर रही है। ये स्टॉप की तरफ से आके और फिर मेडिकल वाली गली में से जाके आगे नदीम पान माला है कोई, वहाँ तक जाएगा और वहाँ पे जो नाला चल रहा है उसमें इसको मिला दिया जाएगा, तो ये बरसात का जो पानी खड़ा हो जाता है उसको निकालेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि यहाँ पे एक और सिस्टम निकल आया है अभी। यानी कि ये मशीन काम कर रही थी, ये पुराना कोई सिस्टम बरसात का डला होगा, ये पूरे फुटपाथ के ऊपर जो डला हुआ था। देखने से तो इनएक्टिव लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि उसमें पानी चला होगा, लेकिन इनएक्टिव है ये। और इसको तोड़ने, यानी पाइप डालना था तो इसको तोड़ना पड़ा, यहाँ से तोड़ा इसको तो ये मशीन उसकी वजह से ख़राब हो गई, और अभी मशीन सही हो जाएगी तो फिर काम स्टार्ट होगा। खैर, ये काम हो रहा है और पुराना सिस्टम भी मौजूद है, नया सिस्टम उसी के बराबर में डाला जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों डाला गया, शायद गहराई की वजह से इसको चेंज किया गया कि अब जो नया सिस्टम डाला जा रहा है वो बहुत नीचे डाला जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। वाटर सर्विस बोर्ड बेहतर जानता है, बेहतर काम करने का तरीका उसको पता है, इंजीनियर मौजूद हैं, पूरा एक डिपार्टमेंट है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है, और ये आवाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। तो शुरू में कुछ परेशानियाँ तो होंगी आवाम को, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे जाके आवाम की जो बहुत बड़ी परेशानी है पानी की, जो बरसात के उसमें आके खड़ा हो जाता है और फिर निकलने का उसको रास्ता नहीं मिलता है, वो यहाँ खड़ा नहीं होगा और आवाम बहुत खुश होगी इस काम से। तो ये एक सिस्टम डाला जा रहा है, और आवाम से बस इतनी दरख्वास्त है कि अगर रोडों पर कचरा ना फेंकें तो वो इन सिस्टमों में आके नहीं फंसे, और ये सिस्टम ब्लॉक ना हो, और ये सिस्टम काम करते रहें, और आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना करनी पड़े। एक दफ़ा फिर वाटर एंड सैवरेज कॉर्पोरेशन का शुक्रिया कि वो उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और बड़ा काम कराने जा रहे हैं वो इस वक्त यहाँ पे, और ये काम अभी जारी है, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में ये कम्प्लीट हो जाएगा। आगे पाइप भी रखे हुए हैं और यहाँ पर मशीन भी मौजूद है, और काम तेज़ी के साथ जारी है, साथ साथ मेन होल भी बनाए जा रहे हैं आगे। सही निशान को दुआ में याद रखिएगा, किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।